शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गीता के हस्बैंड ने ना उसको एनिवर्सरी पर 2 लाख का कंगन लेकर दिया है। दूसरों की छोड़ो, अपनी बीवी की सोचो। क्या वादा किया था आपने कि पहला चेक क्लियर होगा तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। गीता को उसके हस्बैंड ने क्रेडिट कार्ड दिया और शॉपिंग के लिए गाड़ी से भेजा है। उनकी बीवियां ऐशो आराम कर रही हैं। हमारी किस्मत में तो भगवान ने खुशी लिखी नहीं है। अभी तक ना फीस जमा हुई है ना आगे होगी, क्योंकि तुम्हारे पापा अब कंगाल हो चुके हैं और हम बहुत जल्दी ना सड़क पर आने वाले हैं। आज तो मैंने सिर्फ वो सोने की चेन बेची है ना, एक दिन मैं पूरा घर बेच दूंगी और उसके बाद तुम्हें भी बेच डालूंगी। तुम्हारे साथ तो रहने से अच्छा है कि चुन्नी भर पानी में डूब मरूं मैं। निशा, उठो निशा। संतोष, संतोष, आदिति, आदिति पीछे उठो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हेलो पुलिस, इंस्पेक्टर साहब, 24 घंटे से ऊपर हो गया है, आपने बताया नहीं। आखिर निशा और उसका परिवार कैसा है? देखिए, दिशा के पति और उसकी बेटी ने जहर खा लिया है, लेकिन दोनों की हालत अभी खतरे से बाहर है। जहर खा लिया था? और निशा, उसका क्या? I'm sorry, लेकिन निशा की मौत हो चुकी है। परी हुआ कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि निशा की मौत गला घुटने की वजह से हुई। किसी ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। जरूरी काम दिलीप का होगा। मैंने अपनी आंखों से उसको संतोष के घर से भागते हुए देखा था। बहुत ही डरा और घबराया था, और उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी था। ये दिलीप कौन है? दिलीप निशा का मकान मालिक है और वो उस पर बहुत गंदी नजर भी रखता था। अभी कुछ दिन पहले ही शराब पीकर उनके घर में घुस गया था और निशा के साथ जबरदस्ती भी कर रहा था। इसी बीच संतोष ने उस पर हाथ भी उठाया था। बहुत गुस्से में था, उनके घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था और उनके परिवार को मारने की धमकी भी दे रहा था। ये दिलीप रहता कहाँ है? ए, पता क्यों गया था तू वहाँ? हम सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत कर, तेरे बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है। संतोष की पत्नी पर तू गंदी नजर रखता था, उसके साथ तूने जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, और जब दोनों पति पत्नी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया तो तूने उन्हें उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हाँ, अरे नहीं सरकार, हमने किसी को नहीं मारा। सच बताएं तो हम उस दिन ना निशा जी से अपने किए की माफी मांगने गए थे, और हमने सोचा कि किराएदारों से ही अगर हम दुश्मनी मोल लेंगे तो हमें नुकसान होगा, तो सोचा कि उनसे बातचीत करके माफी मांग के बात को रफा दफा कर दें। और इसी वजह से ना हम मिठाई लेके उनके घर गए थे उस दिन, लेकिन जब हम अंदर गए तो निशा जी, संतोष, हम बहुत डर गए थे साहब, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे इसलिए वहां से भाग गए।
निशा जी के पड़ोसी ने आपको जो भी बताया ना हमारे बारे में, सब झूठ है। मैं तो कहता हूँ आपको ना प्रभा देवी से एक बारी पूछताछ कर लेनी चाहिए। ये प्रभा देवी कौन है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि संतोष मेरे यहाँ काम करता था, लेकिन ये भी सच है कि उसके जैसे और कई कॉन्ट्रैक्टर थे जो मेरे यहाँ काम करते थे। और रही बात पैसे के लेन देन की, उसमें तो देर सवेर होती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके परिवार को खून कर दूं या उन्हें जहर दे दूं या उसकी बीवी को मार डालूं। एक बार संतोष और उसके बेटे को होश आ जाए तो कातिल का तो पता चल ही जाएगा। तब तक आप ये शहर छोड़कर जाएंगी नहीं। जी चलो। बड़ी मुश्किल से सोई आदित्य, समझ नहीं आता उसे कैसे बताऊं कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। गीता जी, एक न एक दिन उसे सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी, बस उसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर सब कुछ सच बता दूंगा उसको। इंस्पेक्टर साहब आप? संतोष जी, हमें गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, और ये आप ही बता सकते हैं कि इन दोनों में से असली गुनहगार कौन है। इंस्पेक्टर साहब, असली गुनहगार ये लोग नहीं है। दरअसल असली गुनहगार हम हैं। हमने ही अपनी पत्नी निशा का गला घोटकर उसकी हत्या की है और फिर अपनी बच्ची के साथ जहर पिया है। संतोष जी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? दरअसल प्रभा के एक प्रोजेक्ट के लिए हमने मार्केट से 20 लाख रुपए कर्ज पे उठाए थे। जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो इसने हमारे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि ये हमारे साथ अवैध संबंध बनाना चाहती थी, और जब हम इनसे शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया तो इन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, जिससे हमारे परिवार की हालत बद से बदतर होती चली गई। ऊपर से हमारी पत्नी निशा हर बात पर हमको ताना देती थी, हमसे रोज झगड़ा करती थी, दुनिया का सबसे निकम्मा इंसान समझती थी। एक तरफ प्रभा ने मुझे मेंटली टॉर्चर कर रखा था और दूसरी तरफ मेरी पत्नी ने मेरा जीना हराम कर रखा था। उसको अपने ऐशोआराम के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। एक दिन निशा घर छोड़कर जाने लगी। किस्मत टूटी थी हमारी जो तुम जैसे नल्ले और नकारे आदमी के साथ हमारी शादी हुई, जो आदि पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। निशा मेरी बात सुन, निशा तुम कहीं नहीं जा रही, समझो तुम कैसे छोड़ के जा सकती हो? देखो भूलो मत, हमारी बेटी भी है, प्लीज। तो तुम किस काम के हो? बेटी को तुम पालो, अब नहीं रहूंगी यहाँ पे। हटो मेरे सामने से, निशा मेरे सामने से। निशा मेरी बात सुन, निशा मेरी बात सुन। आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म करता हूँ। आज क्या कहा तुमने? ऐशोआराम के आगे को तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, छोड़ के जाओगी तुम? नहीं जा सकती छोड़ के। निशा, निशा, निशा। जब तक हमने अपना होश संभाला बहुत देर हो चुकी थी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने अपनी बेटी को भी जहर पिला दिया और खुद भी पी ली। पापा। मम्मी उठो। पापा मम्मी को क्या हुआ? मम्मी उठो। बेटा रुको, यहाँ बैठो। वो मम्मी बहुत थक गए हैं, उन्हें नींद आ रही है। हाँ तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। हाँ ओके। We'll be right back.
लो। तरफ से हार गया था, इसलिए मौत को गले लगाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर सही समय पे आपने कानून की मदद ली होती तो प्रभा को दिए हुए पैसे आपको सही समय पे मिल जाते, लेकिन आपने अपना ही घर उजाड़ दिया। अपनी पत्नी की हत्या और सुसाइड करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है और आप प्रभा संतोष के साथ संबंध बनाने और उनको टॉर्चर करने के जुर्म में आपको भी गिरफ्तार किया जाता है। कांस्टेबल ले चलो इन्हें, चलिए। पापा 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 पापा, पुलिस आपको कहाँ ले जा रही है? मम्मी भी घर पे नहीं है, आप भी जा रहे हो, मैं अकेले कैसे रहूंगी? नहीं बेटा, तुम घबराओ मत, आप तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना, मैं जल्दी वापस आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। गीता जी, अदिति का ख्याल रखिएगा। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।